बंद है, देखिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सुनो जी, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बताओ, इधर से दिखाओ इसको, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? क्या करते हो स्टेशन से, क्या करते हो? मांगते खाते। आए मांगते खाते हो तो कोई यहाँ पे भैया ये मांगता खाता है, इसको देखिए भाग रहा है, इसलिए कि गलत काम कर रहा है। मैं नहीं कहता कि आप दिव्यांगों के प्रति गलत काम करिए, लेकिन ऐसे दिव्यांग को आप क्या कहेंगे जो दारू पी रहा है? इस तरह से पीना चाहिए, देखिए वो भाग रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ दारू कैसे मिलता है बताओ? बिहार में तो दारू बंद है, कैसे मिलता है बताओ? दारू कहाँ मिलता है बताओ? पता है इसको? पता ही नहीं है कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया हूँ, खुद नहीं पता है। बताओ दारू कहाँ मिलता है? वो खाएगा हाँ। लेकिन अगला तो मिसयूज करता है। अभी मैं जस्ट चढ़ रहा था तो मैं देखा, हाँ, वो सही है, अच्छा काम है। वो आपको देख के भी सीखना चाहिए। अरे वो सर मानी चाहिए उसको, बताइए आएगा वैसे हाँ? खास करके ये बिहार है ना, आप कहते हैं दारू बंद है, कहाँ दारू नहीं मिलता है ये पूछिए। अभी तो दारू पिए हैं हम, तो पूरा पिए हुए हैं पूरा। सुनिए मास्टर दारू पिएगा तो स्टूडेंट क्या करेगा? कहाँ से दारू मिला? चलिए हम दिखाते कितना दारू है, कहाँ से मिला? जितना दारू दिखाएंगे उतना दारू आप देखो ना किए हुए हैं। पटना, पटना से मैं निकल रहा था, तब तक आप देख रहे हैं नशेड़ियों की धुंध बैठी हुई थी। मुझे तो भैया दिखाई दे दिया, आप दिखाओ थोड़ा सा मुझे, दिखाइए। कहते हैं लोग कि दिव्यांग लोग अजीब है, आज मुझे समझ में भी आ गया कि इस तरह से। क्या पी रहे हो, क्या पी रहे हो बताओ? सोल्यूशन। क्या पी रहे हो? इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, क्या पी रहे हो? सोल्यूशन। ये क्या होता है सोल्यूशन, क्या होता है इसको टांग थोड़ा? ये बताओ, यहाँ पे स्टेशन पे हो, इधर से आओ, इधर से आओ, हटाओ भैया, हटाओ थोड़ा सा। अरे भाई क्या हाल है, हाँ दूर से दिखाओ, क्या हाल है, कैसे हो बताइए? दिव्यांग है और दिव्यांग होते हुए भी इस तरह से गलती, क्या कहा जाए दिव्यांगों की इतनी घटिया। कभी कभी तो ये आता है कि इन पे दया करनी चाहिए, लेकिन आप बताइए ये बेचारे भीख मांग के अगर अच्छा काम करता तो कितना अच्छा होता, देख सकते हैं स्ट्रेचर पर चलता है। क्या पी रहे हो जी, क्या पी रहे हो, क्या पी रहे हो? सोल्यूशन। क्यों पी रहे हो सोल्यूशन, क्यों पी रहे हो? आप दारू पीते हैं? दारू तो बंद है, देखिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सुनो जी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बताओ? इधर से दिखाओ इसको, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? क्या करते हो स्टेशन से, क्या करते हो? मांगते खाते। आए मांगते खाते हो तो कोई यहाँ पे भैया ये मांगता खाता है, इसको देना चाहिए। मैम बताओ ना, माता जी आप बताओ ना, ये देना चाहिए हैं? सुनो कहाँ जा रहे हो, आओ इधर आओ, ये देखिए भाग रहा है, इसलिए कि गलत काम कर रहा है। मैं नहीं कहता कि आप दिव्यांगों के प्रति गलत काम करिए, लेकिन ऐसे दिव्यांग को आप क्या कहेंगे जो दारू पी रहा है? इस तरह से पीना चाहिए, देखिए वो भाग रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ दारू कैसे मिलता है बताओ? बिहार में तो दारू बंद है, कैसे मिलता है बताओ? दारू कहाँ मिलता है बताओ? पता है इसको? पता ही नहीं है कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया हूँ, खुद नहीं पता है। बताओ दारू कहाँ मिलता है? देखिए ये बोल भी नहीं पाएगा, क्यों नहीं बोल पाएगा? क्या पी रहे थे अभी, क्या पी रहे थे बताओ? सोल्यूशन। क्यों सोल्यूशन पी रहे थे, क्यों पी रहे थे सोल्यूशन, क्यों पी रहे थे? ये नहीं बोलेगा, इसलिए नहीं बोलेगा कि ये पूरा मस्त है, इतना मस्त है कि उसको खुद नहीं पता है कि मैं हूँ कौन, और वो दिव्यांग था। कितनी शर्म आ रही है, लोग ऐसे ही बिन नजरों से नहीं देखते हैं, सच्चाई देखते हैं, इसलिए सच्चाई देखते हैं कि लोग दिव्यांग होते हुए मांग के और दारू पीते हैं, सोल्यूशन पीते हैं, ऐसा करना चाहिए? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। ठीक है सिंपैथी दिखाइए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिंपैथी मत दिखाए, लेकिन आप दारू पियोगे, सोल्यूशन पियोगे, गांजा पियोगे, ये तो गलत है ना? बिल्कुल गलत। देने के टाइम तो लोग दे देते हैं, लोग को क्या पता कि अगला क्या करेगा। हम लोग तो देख करके बस देख लेते हैं कि चलो अपंग है, चलो उसको पैसा दे दिया जाए, वो खाएगा हाँ। लेकिन अगला तो मिसयूज करता है। अभी मैं जस्ट चढ़ रहा था तो मैं देखा, हाँ वो सही है, अच्छा काम है। वो आपको देख के भी सीखना चाहिए। अरे वो सर मानी चाहिए उसको, बताइए आएगा वैसे हाँ? खास करके ये बिहार है ना, आप कहते हैं दारू बंद है, कहाँ दारू नहीं मिलता है ये पूछिए। हो रहा है दारू का तो होम डिलीवरी हो रहा है, हर जगह बिहार में होम डिलीवरी होता है दारू का, होता है हर जगह, हर जगह साहब थाने पर आता है ट्रक का, ट्रक माल आता है, दो एक पैकेट फोड़ के दिखा दिया जाता है, बाकी सब हाँ ऐसे ही होता है। देख रही है ना, सोल्यूशन पी रहा है, बताइए छोटा छोटा बच्चा पीता है, ये तो फिर भी यंग है हाँ। इतना छोटा छोटा हमारे यहाँ, उधर जाके देख लीजिए पूरे बिहार हाजीपुर सोनपुर, आप दौड़ जाइए तो चले जाइए। वो तो ठीक है, देखिए एक अलग बात, लेकिन दिव्यांग है उसका दोनों पैर नहीं है, और ऐसे मतलब इस तरह से कर रहा है, बताइए। प्रशासन का छूट है, प्रशासन ही छूट दे देगा, प्रशासन ही छोड़ दिया, छोड़ दिया। देख लीजिए भैया ये जंक्शन है, दिखाओ थोड़ा सा, ये जंक्शन है, राजधानी है, जंक्शन नहीं है, बिहार का राजधानी पटना है।
चलिए वहाँ पे देखे कितना बच्चा पीता है। बच्चा हर कोने कोने में दारू मिलता है, हर कोने कोने में, हर गांव में। यहाँ तो चैलेंज करते हैं कि दारू नहीं मिलता है, हर जगह जगह दारू मिलता है, हर जगह चैलेंज करते हैं कि दारू नहीं मिलता है, हर जगह मिलता है सर दारू, हर जगह मिलता है, हर जगह दारू मिलता है। आप देख लीजिए पटना है, पटना जंक्शन गाँव में है, शहर से ज्यादा गाँव में। अच्छा, शहर से ज्यादा गाँव में बताइए, शहर से ज्यादा गाँव में। अब वो दिव्यांग था, चला गया, उधर चला गया। इस तरह से लोग शासन प्रशासन देखेगी नहीं उनको कि क्या हो गया, कैसे वो भाग गया, नहीं देखेगा। बंद नहीं करिए, आप खुलेआम बताइए ना, डर क्यों नहीं है, क्यों डर रही है, क्या करेगा कोई, क्या करेगा बताइए ना। कुछ नहीं, दारू का हम आपको बता रहे हैं ना कि कार्टून का कार्टून दे दिया जाता है, थोड़ा सा हेल्प कीजिए। सच्चाई बोलने में डर क्यों रही है, हम नहीं डरते हैं, वो नहीं, किसी से नहीं डरते हैं। माता जी देखिए गलत हो रहा है ना, ये तो गलत है ना, बहुत ज्यादा है, आपको पता नहीं, आप पैर रखे है ना अभी पटना में, चारों तरफ घूम लीजिए। मैं तो ट्रेन पकड़ने जा रहा था लेकिन देखा कि इस तरह से, वो आप देख लीजिए, बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ की। अब बताइए भैया, ये पटना है, पटना बिहार की राजधानी, लोग कहते हैं राजधानी की स्थिति है, तो गांव का स्थिति क्या होगा। नीतीश जी दावा करते हैं कि बिहार से दारू बंद हो गया, दावा करते हैं कि नीतीश जी की यहाँ से गांजा बंद हो गया, लेकिन सब कुछ उपलब्ध है। आखिर ये आ कहाँ रहा है पता नहीं चलता है। यहाँ के लोग अस्थायी रोग ही बताते हैं कि घर घर तक पहुँचाया जाता है, आखिर कौन इसका जिम्मेदार है, आप बताइए मुझे समझ में पूरा। आप देख रहे हैं ये पटना जंक्शन है, पूरा पटना जंक्शन पे भीड़ लगा हुआ है, और इस भीड़ में इस तरह से है कि पूरा लोग दारू पी रहे हैं, आप देखे होंगे, मैंने दिखाया आपको। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, लोग कहते हैं कि बिहार ऐसे ही बदनाम नहीं है, कुछ लोग हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। सरकार की भी क्या बताया जाए, किसको क्या कहा जाए, क्या बताओ, बताओ मिलता तो तब ना पीता। दारू कहाँ से मिल रहा है, दारू बिहार में मिल रहा है, और कहाँ से मिल रहा है। नीतीश जी तो कहते कि बंद हो गया है, बंद तो बड़े कुछ कह रहे हैं, कहाँ कुछ कहा थे, कहे थे कि रोजगार देंगे 19 लाख, कहाँ कुछ दिए हैं, बेरोजगार है, बेरोजगार घूम रहा है, और यहाँ तक तो लेकिन अब दारू बेचने का धंधा शुरू कर दिया। मास्टर को पढ़ावा लगे थे तब दारू खोजने के लिए, मास्टर के कह रहे हैं, तो क्या होगा बिहार के मास्टर, मतलब मास्टर अब दारू खोजेगा नहीं, देखे हैं न्यूज, न्यूज तो देखे हैं, तो फिर इसीलिए मतलब आप लोग भी शुरू कर दिए हैं, तो क्या करेगा। शिक्षा देने वाला खुद दारू पिएगा, इधर आइए, इधर आइए, क्या करेगा, कौन सा, आप भी तो दारू पिए हैं, हम तो पूरा पिए हुए हैं, पूरा, सुनिए मास्टर दारू पिएगा तो स्टूडेंट क्या करेगा, कहाँ से दारू मिला, चलिए हम दिखाते कितना दारू है, कहाँ से मिला, जितना दारू दिखाएंगे उतना दारू आप देखो ना किए हुए हैं। सर बताइए, मैं आया स्ट्रेचर पर, एक दिव्यांग बैठा था जो कि सुलेशन पी रहा था, गाजा पी रहा था, दारू पी रहा था, ये सब कहाँ से आता है, इसके जिम्मेदार कौन सर। इसका जिम्मेदार बेसिकली प्रशासन ही है, क्योंकि बिना प्रशासन के कोई भी काम गलत काम हो नहीं सकता। दावे किए जाते हैं, दावा हो रहा है बिहार में, बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि नहीं, ना दारू मिलेगा, ना गाजा मिलेगा, ना भांग मिलेगा, फिर भी ये कहां से आ रहा है। एसी कमरों में बैठ के राजनीतिक दावा करना अलग बात हुआ सर, बट हकीकत जमीनी स्तर पे जो हो रहा है वो बात अलग है। एसी कमरों में बैठ के जो दावा किया जा रहा है वो अलग चीज है, और यहाँ जो आप दिखा रहे हो, हम लोग देख रहे हैं, वो अलग बात है। मुझे नहीं पता था, मेरे सामने ही पी रहा था, अभी वीडियो में आए मेरे, आपको दिखा दूंगा, मेरे सामने अब यहाँ से गेट जाता है, मैं तो जा रहा था ट्रेन पकड़ने, लेकिन देखा कि दोनों लोग मस्त हैं एकदम, पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सर तो इसमें प्रशासन, जैसे कि रेलवे पुलिस फोर्स जिसकी ड्यूटी यहाँ पे है, जिसकी देख रेख और निगरानी की, हालांकि कैमरा लगाया उधर, कैमरा देखिए, कैमरा ऑन, कैमरा लगाया गया है, लेकिन कैमरा के सामने भी ऐसा हरकत हो रहा है। रेल पुलिस और प्रशासन ही जिम्मेदार है इसका सर, बिना उसके कुछ भी नहीं संभव है सर। अगर प्रशासन चाह ले तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। सही आप कह रहे हैं, जिस तरह लोग कहते हैं कि हमारे रक्षक है, लेकिन रक्षक तो भक्षक बन गया है, तो कहां से होगा। सच्चाई है, कहीं ना कहीं अगर रक्षक भक्षक बन जाएगा तो हर एक शख्स में कहीं ना कहीं कमियां दिखाई देगी। आप खुद नहीं सुधरोगे तो दूसरे को कहां से सुधारोगे। हो गया है, नीतीश कुमार से जनता परेशान है। क्यों? पूरा बिहार में जनता नीतीश कुमार के, क्यों? आरजेडी सरकार चाहिए, आरजेडी सरकार तो ऐसा कर रहा है ना कि घर घर फुलौरी चलाएगा, खाली रोड चमका रही है, पानी भर भर के रोड चमका रहा है, उसको पानी निकास बना है। अच्छा, अरे तो दारू बहुआ रहा है, दारू दारू तो अपना पी रहा है, दारू दुनिया में यहाँ यह है।
दारू के बारे में कहे, दारू सरकार से सब स्कूल में ये चैलेंज करे, इसमें लेडीज का लोग करेगा, क्या पढ़ाएगा वो लोग, विधि व्यवस्था ये तो अपने अपने सरकार ठीक नहीं है, ये तो पियकर समझते हो जाता, दूर दूर पर सेंटर बना के भेज देता और चालू कर देता कमिटी गठित होके अपने पियकर स्थिर हो जाता। ये अपने तो घर घर बेचवाने के काम किया, घर घर पंचायत स्तर पर बनाया तो घर घर तो बेचवा दिया, तो बेचवाया तो उसको सुधार करने में टाइम लगेगा ना, दूर दूर पर सेंटर बनाता और उसको जितना लिमिटेशन था, जो पी के नजायज रोड पर कर रहा है उसको जेल भेजता, और जो अस्थिर से पी के आ रहा है उसको क्या है, घर में पी रहा है, तो सरकार तो अपने विरुद्ध सही कर रहा है। चलिए दोस्तों आज मैं दिखाया आपको, मैं दिखा दूं पटना था, पटना जंक्शन है, जंक्शन पे आप देख रहे हैं इस तरह से हंगामा होता है कि आप कहना बड़ा मुश्किल है, बच्चे बच्चे दिव्यांग हो चाहे बूढ़ा हो, सभी लोग आराम से दारू पीते हैं, आराम से गाजा पीते, आराम से सोल्यूशन पीते हैं, पता ही नहीं चलता है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।